ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमें एक बाबा के ज्ञान में चलते हुए ऐसा विचार सागर मंथन करना है, जो बाबा कहता है वो ठीक है, दुनिया में कहते हैं वो ठीक है। दुनिया में कहते हैं भगवान को प्रसन्न करना है तो बलि चढ़ाओ। कौन सी बलि? जो मैमय करते उसकी बलि। लेकिन लोगों ने कौन सी बलि चढ़ाई? मैमय करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दी। प्रसन्न हो जाता है, उपवास। उप मतलब नजदीक, वास मना रहना, भगवान के पास रहना, इसको कहते हैं उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। अगर गवर्नमेंट के एंटी में जाकर के चौराहे में हड़ताल करो तो गवर्नमेंट प्यार करेगा, मार देगा। कहीं क्यों हड़ताल किया? इसी तरह परमात्मा को कहा, परमात्मा ये मेरा काम करो, नहीं तो दो दिन हड़ताल, भूख हड़ताल। ये व्रत करने से, उपवास करने से हेल्थ ठीक होगी, बाकी परमात्मा से कोई लेना नहीं। इतना दिन हमने हड़ताल करते करते ऊपर से वो आया और बुलाता है, भाई क्यों हड़ताल किया? लेकिन जो करते वो कहीं आते ही नहीं। इसीलिए कौन सा उपवास करो? मन बुद्धि से परमात्मा के पास रहो, यह है सच्चा उपवास। इसीलिए कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। कहते हैं भगवान को प्राप्त करना है तो घर का त्याग करो। कौन सा घर? शरीर आत्मा का घर है। शरीर के भान को छोड़ो, सारे विकारों का प्रॉब्लम, समस्या का प्रॉब्लम देह का भान है। इसलिए देह का भान छोड़ो, जैसे ओरिजिनल आत्मा के रूप में रहो, ये घर का त्याग करना। कहते हैं भगवान को प्राप्त करना है, जैसे लक्ष्मी घर घर में आते, कब आते हैं? लाइट लगाते हैं, तो लाइट लगाने से लक्ष्मी आई? लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर, उल्लू को तो लाइट में दिखता ही नहीं, फटाका बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। तो कौन सा दीपक जलाओ? आत्मा का दीपक जलाओ। मन के अंदर जी ईर्ष्या करना, नफरत खत्म करो, तब घर घर में लक्ष्मी आएगी। कहा कुछ किया कुछ। एक सेठ जी थे, उनका घर सामने था, सामने मकान था, बीच में रोड था। तो सेठ जी एक बार बीमार पड़ा, सेठ जी ने अपने बेटे को बुला करके कहा, बेटा मैं तुम्हें तीन बातें करोगे तुम मेरी से भी बड़ा सेठ बन जाओगे। कहा कि तुम छाव में जाना और छाव में आना, दूसरी बात सुनाई तुम मीठा खाना और मीठा खिलाना, सेठ जी बनेगा। तीसरी बात सुनाई तुम देते रहना, किसी से कुछ नहीं लेना, इसे क्या बनेगा? सेठ जी बनेगा। तो तीन बातें करने के लिए बोला। तो पिताजी कुछ दिन के बाद शरीर छोड़ के चले गए। तो बेटे को याद आता है पिताजी मुझे तीन बातें सुनाई। तो क्या करता है, घर से लेकर सामने घर था, बीच में रोड था और सामने दुकान था। तो उन्होंने क्या क्या, छाव में जाने के लिए टीन का शेड डाल दिया, दुकान से लेकर के घर तक पतरा डाल दिया छाव में जाने और आने के लिए। रोज मिठाई बना करके खाता है और सबको खिलाता है, क्योंकि बाप ने कहा था कि मीठा खाना और खिलाना। और तीसरी बात बताई थी, देते रहना, किसे कुछ नहीं लेना। तो उसके घर में कोई भी आता है, किसको टेबल देता है, किसको चेयर देता है, कंबल देता है, क्योंकि बाप ने कहा देते रहना। और ये सब किसी लिए कर रहा था? सेठ जी बनने के लिए। तो कुछ साल के बाद क्या हो गया, छाँव में जाने से कभी भी दिन में 12-1 बजे कभी भी जाता है, हमेशा छाँव रहेगी क्योंकि पतरा डाला था। तो दुकान सब बंद देकर के दुकान में आने वाले बंद हो गए। तो मीठा खाने से शुगर पेशेंट हो गया, रोज मिठाई खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है, पैसा भी लगता है उसके लिए। और देते रहने से उसके घर में जो भी चीजें सारा खत्म हो गया, घर खाली हो गया। तब एक दिन उस बच्चे को याद आया, पिताजी ने कहा तुम सेठ जी बनेगा, मैं तो सेठ जी बना ही नहीं और ही कंगाल बीमार हो गया। तो अपने दोस्त के पास गया, कहता है दोस्त मुझे पिताजी मर गए, मरते मरते धोखा देके गए मरे। कहा कि क्या धोखा दिया? कहा कि मरते उन्होंने तीन बातें सुनाई और तुम सेठ जी बनेगा करके कहा। कहते कौन सी? छाव में जाओ, मीठा खाओ, देखो। कहते तुम क्या किया? कहते मैंने टीन का शेड डाल दिया छाव में जाने के लिए, मिठाई बना करके खाया और खिलाया, देते हुए रहा, किसे कुछ नहीं लिया, मैं सेठ जी तो बना ही नहीं। अरे कहता कि तुम्हारे पिताजी ने बहुत अच्छी बातें बताई थी, अगर तुमने उसको सही रूप में करता तुम सेठ जी बन जाता। पिताजी ने ये कहा था कि छाव में जाना अर्थात दिन निकलने से पहले दुकान में जाना। लेकिन उसने क्या किया, दिन निकलने से पहले जब जाएंगे क्या होते हैं, दिन डूबने के बाद
जब दिन डूब जाएगा तब दुकान बंद करके आना, माना छाव में जाना, माना जल्दी जाना और देरी से दुकान बंद करके आना, बीच में जाना आना नहीं, तो क्या बन जाता हूं? कितनी अच्छी बात बताई थी, लेकिन उस बात को समझा नहीं, टीन का शेड डाल दिया, छाव में गया और छाव में आ। देते रहना, तुम इतनी कमाई करो जो कर्जा किसी से नहीं, ऐसा काम करो ना किसी को कर्जा दो ना किसी से पैसा उधार लो, देते रहना, किसी से कुछ नहीं लेना, भले कर्जा दो पैसा दो लेकिन किसी से कुछ लेना नहीं। कितनी अच्छी बात बताई, उसने चीजें देता रहा, किसी से कुछ नहीं लिया, बात को उल्टा किया। मीठा खाओ और खिलाओ, तुम्हारे दुकान में जो भी आएंगे उन सबके साथ मीठा अच्छा, अगर मीठा आएंगे सारे लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारा अच्छा चलेगा। कितनी अच्छी बात बताई, समझा ही नहीं उसने क्या किया, मीठा और खिलाया, बात को उल्टा किया। इसी तरह शास्त्रों में, ग्रंथों में परमात्मा ने हमारे लिए बहुत अच्छी बातें बताई, बलि चढ़ाओ, उपवास करो, घर बार का त्याग करो, हमने ना, हमें ना कोई समझाने वाला मिला ना समझने वाले, और हमने वो करते गए, बातों को उल्टा किया, फायदे के बजाय घाटे में। इसलिए इस बातों को समझना, इसलिए कहते हैं शब्दार्थ यथार्थ भावार्थ। लेकिन कई बीके भाई बहने क्या करते हैं, ज्ञान में आने के बाद भी ज्ञान के बातों को भी उल्टा करते हैं। समझो बाबा कभी मुरली में कहते हैं, बच्चे तुम आत्मा भाई भाई समझना, समझो पति पत्नी ज्ञान में चले तो पत्नी पति को कहते, भाई जी चलो जल्दी क्लास में, नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही कोई बात पड़ोस नहीं सुनेगी तो कहेंगे, अरे ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। और कभी जाकर के उनको ज्ञान सुनाओ, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है आप चलो ना, कहेंगे हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता अगर इनके ज्ञान में चलेंगे जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बनाया, वैसे हमें भी पति को भाई जी बनाना पड़ेगा, इसलिए कभी नहीं आएंगे। तो ये क्या होगी डी सर्विस। इसीलिए कई भाई बहन आने के लिए डरते हैं, आने के बाद भाई बहन बनाना पड़ता है। बाबा का भाव ये नहीं कि अपने पति को भाई जी बोलो, जो बोलते वो बोलो, दृष्टि वृत्ति भाई के समान बनाने के लिए बोलिए। कई तो बच्चों को भी कहेंगे भाई जी इधर आओ, सास को कहेंगे बहन जी, ये क्या है। इसलिए बाबा के शब्दों को समझने की जरूरत है। कभी कभी बाबा कहता है, बच्चे संबंधी को भूल जाओ, देह से ही देह क्या करते हैं, जाना ना बंद करते हैं। कहते हैं तो अज्ञानी है ना, इनके पास जाने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा इसको भूल जाओ, बाबा कभी नहीं कहता कि ऐसे जाना उस स्थूल में भूल जाओ, मन बुद्धि से भूल जाओ। कई तो मन बुद्धि से भूले नहीं, सबको कहेंगे हमारा रिश्तेदारी बहुत अच्छे हैं, बहुत अमीर हैं, उनके 10-12 ट्रक हैं, कभी जाएंगे नहीं लेकिन बार बार याद करते रहेंगे, तो क्या फायदा। अगर कभी जाएंगे उनको ज्ञान सुनाएंगे, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा आप चलो ना, हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता अगर इनके ज्ञान लेंगे जैसे इन्होंने हमको छोड़ा, हमको भी छोड़ा। इसलिए बाबा कभी नहीं कहता है कि बच्चे जाओ आओ सबके साथ। कभी कभी बाबा कहते हैं, बच्चे ये शरीर तुम्हारा विनाशी है, ज्यादा ध्यान नहीं दो। तो कई क्या करते, बीमारी हो गई, खांसी हो गई, बुखार आया, कहते विनाश है ना, अभी 2-4 साल रहना है ना, क्या करना है उसको देखेंगे, इतना बुखार आएगा, इतनी बीमारी हो जाएगी, फिर कहेंगे बाबा मदद ही नहीं करता। बाबा कहते भले विनाशी है लेकिन उतना वैल्यूबल भी है। जैसे कोई मंदिर का ट्रस्टी होता है, उसका कुछ भी उठा जाए जाए खराब हो जाए, कहता है मैं ट्रस्टी हूँ, संभालने के लिए दिया है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। ट्रस्टी बनकर के उसकी सफाई करो, लिपाई पोताई करो, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। इसलिए इसमें रहते हुए भी ये बाबा को दिया है, उसका मिसयूज नहीं करना है, इसकी सफाई झाड़ू पोछा करो रोज। इसलिए बाबा के शब्दों को समझने की जरूरत है। एक सेंटर पर गुरुवार का दिन था, तो गुरुवार में सेंटर भाई कुछ भोग बना रही थी, तो इतने में एक भाई आया ज्ञान सुनने के लिए। तो सेंटर की बहन जी ने कहा, माता जी गांव से दूर से आई थी, कहा कि माता जी थोड़ा इस भाई को कुछ सुनाना, तब तक मैं भोग बनाऊंगी। तो पहला चित्र लगा था लक्ष्मी नारायण का, तो माता जी वो भाई को कहते आप रोज यहाँ आया करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ट्रैक्टर,
यहाँ क्या गैरेज का काम सिखाते हैं? कहते हैं नहीं, लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर से गिर गए, परमात्मा उनका ट्रैक्टर ठीक करने के लिए आए। कहते वो कैरेक्टर बोलने के बजाय, वो कैरेक्टर बोलने के बजाय ट्रैक्टर ट्रैक्टर बोल रहे। एक माताजी मेरे पास आई, कहते मेरे बेटे को भी आपके जैसे सिलेंडर बनाना है। हमने कहा हम सिलेंडर थोड़ी है, गैस। तो कभी कभी हम शब्दों को क्या करते हैं, जैसे उसी दिन कहा ना, एक भाई ज्ञान में चलता था, दो तीन साल ज्ञान में चलता था, होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा मैदे को बेल करके आलू भरते सिंगाड़ा बोलते हैं, और एक किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका आलू खा रहा था। तो मैनेजर ने बोला आप ये मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके अंदर का खा रहा हूँ। बाहर का मतलब दूसरे के हाथ का बना हुआ खा रहा। कभी कभी हम ज्ञान को क्या करते हैं, अर्थ का क्या करते हैं, अनर्थ करते हैं।